रविवार को छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा क्षेत्र के ग्राम घिनौची और ग्राम गोंचीपुरा के माजरा राजीव नगर के लगभग एक सैकड़ा ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य महादेव प्रसाद अहरवार के साथ जिला मुख्यालय पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहरवार से भेंट कर अपनी समस्याएं बताईं, जिसके बाद राज्य मंत्री ने मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त छतरपुर को ग्रामीणों की समस्या सुनकर निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके बाद ग्रामीणों ने मुख्य वन संरक्षक को ज्ञापन देकर अपनी अपनी समस्याएं बताईं। जिला पंचायत सदस्य महादेव प्रसाद अहरवार के साथ ज्ञापन सौंपने आए ग्राम घिनौची के ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें वर्ष 1973-74 में शासन द्वारा भूमि के पट्टे दिए गए थे। इस जमीन पर वे कृषि कार्य करते आ रहे हैं, किंतु उक्त भूमि पर अब वन विभाग द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिससे वे कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि राजस्व एवं वन विभाग द्वारा अपना अपना सीमांकन करवा कर ग्रामीणों की भूमि उन्हें वापस दिलाई जाए। वहीं ग्राम गौचीपुरा के माजरा राजीव नगर से आए ग्रामीणों ने बताया कि राजीव नगर में अहरवार समाज के एक सैकड़ा से अधिक परिवार निवासरत हैं। राजीव नगर की आबादी लगभग 450 है, जो वे लगभग 70 वर्ष से यहां निवास कर रहे हैं। वर्तमान में वन विभाग द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है और किसी भी तरह के विकास कार्य नहीं होने दिए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने शासन से राजीव नगर माजरा को आबादी घोषित करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? महादेव प्रसाद अहरवार, जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में। आज सभी लोग आए हैं? पहली बार तो हम माननीय मंत्री महोदय के यहाँ गए थे। मंत्री महोदय ने CCF के यहाँ भेजा था और CCF के हम यहाँ पे कार्यालय में खड़े हुए हैं। कम से कम 50-60 गोचीपुरा ग्राम पंचायत करकी से और घिनौची से हम लोग समस्त किसान बंधु आए हैं और इस मैटर पे आए हैं कि जो वन विभाग हमें जो 75-76 में जो बंटे दिए गए थे शासन के द्वारा, वो वन विभाग ने उस पर कब्जा कर लिया है और इन लोगों को पूरा हटा दिया गया है। इसलिए हम यहाँ पे मनी जी के यहाँ आए थे कि अपनी जो जमीन राजस्व विभाग की हो तो वो हमको जुलवाई जाए और जो आपकी हो सो आप अपने लिए ली जाए, हैं उस पर खेती करने के लिए नहीं दे रहे हैं और उस पर तार फेंसिंग भी करवा दी है, हैं और उस पर कुछ जो वन विभाग के जो चौकीदार होते हैं वो इन लोगों से 10-10, 20-20 हज़ार रुपये मांग रहे हैं जी। इस तरह से हम लोग आवेदन देने के लिए माननीय जी महोदय के यहाँ आए थे, राजीव झा को और CCF सर को। उनने जो आश्वासन दिया है कि आप बड़ा मलहरा जाइए, मैंने रंजन साहब को फ़ोन लगा के बोला है कि आपकी समस्या सॉल्व होगी, आप रंजन साहब को आवेदन दीजिए और फिर ये भी कहा है कि राजस्व विभाग को भी दीजिए आप SDOP को, तो वो हम दो ही जगह की टीम बैठा करके आपकी जगह को स्थापित करवाएंगे जी।